खोलेंगे नहीं। अभी ये देख सकते हैं जो फ्यूज़ मेरा उड़ रहा है ना, वो आपको दिखाया ही था, वो अभी वो दिखाया नहीं था, देख सकते हैं अब आगे। तो जो है कि अब भाड़ा बता देता हूँ, जो लोग भाड़ा पूछते हैं, हम गए थे चुनार से गोरखपुर, चुनार से गोरखपुर का भाड़ा जो लगा था मुझे। और महादेव सभी को, आप सभी का स्वागत करते हैं एक और वीडियो में। तो गुरु हम घर से निकल चुके हैं, अब जो है वो मेरा ब्लॉग हो सकता है नॉर्मल हो जाए, मैं नॉर्मल होने की कोशिश कर रहा हूँ। बट इतनी सारी इंसिडेंट्स, इतना सारा प्रॉब्लम आपने देखा ही, क्योंकि बीते कई दिनों से मैं ऐसे चीज़ों से गुजर रहा हूँ जो मुझे खुद समझ नहीं आ रहा है कि मेरे साथ क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा है, क्या कर रहा हूँ, क्या हो पाएगा क्या नहीं, एंड सब कुछ। तो अभी नॉर्मल होने की कोशिश कर रहा हूँ, पहले की तरह आज ब्लॉग स्टार्ट हो रहा है, घर से निकल के डायरेक्ट गाड़ी में, एंड आगे चलेंगे, लोडिंग पॉइंट पे जाएंगे, गाड़ी अपना लोड होगा, फिर लोड करके देखिए कहाँ जाते हैं। और हो सकता है लखनऊ जा सकते हैं, गोरखपुर जा सकते हैं, या गोंडा जा सकते हैं, तीन ऑप्शन है अपने पास। तो लोडिंग देखते हैं कहाँ का मिलता है, तो चलते हैं देखते हैं क्या होता है कैसे होता है। तो यहाँ से चलते हैं, आप सभी से लोडिंग पॉइंट पर मिलते हैं। तो गुरु फाइनली पहुंच गए अपने लोडिंग पॉइंट पे, और ये हमने अपनी गाड़ी खोल के रखी हुई है। गाड़ी खोल के क्यों रखा है, क्योंकि अपने जो है ये हमारा क्या बोलते हैं, अभी रेडिएटर पे थोड़ा पानी डालेंगे, पानी कम हो गया है, तो कूलेंट भी डाल सकते हैं और पानी भी, दोनों चीज़ें बता देता हूँ। पानी आपको कौन सा यूज़ करना है, आपको फ़िल्टर वाटर यूज़ करना है, बिस्लेरी का आप पानी डालिए, आप ऐसा नॉर्मल पानी उसमें हैंडपम्प का ये पानी मत डालिए, वो इंजन में जाएगा और हर जगह जाएगा तो ख़राब हो सकता है। आप रेडिएटर में पानी डाल सकते हैं, कोई दिक्कत, पूरा पानी मत डालिए पर पानी डाल सकते हैं। अगर रेडिएटर आपका अचानक से पानी कैसे गिर जाता है, तो अगर आपको मिलता है तो आप उसमें कूलेंट ले सकते हैं, ग्रीन वाला भी ले सकते हैं, ग्रीन वाली कूलेंट 1 लीटर डाल के, जैसे कि अगर पूरा ख़त्म हो गया तो 2 लीटर कूलेंट, बाकी का उसमें 4 लीटर पानी डाल दीजिए, हो जाएगा। अगर आप में ये जो है, ये नई वाली में जो पिंक कलर वाला कूलेंट आता है, ब्लू कलर हल्का, वो कूलेंट डालना है तो वो 6 लीटर वही टोटल कूलेंट डाल लें। अगर थोड़ा बहुत कम होता है तो पानी डाल के चल जाता है, कोई दिक्कत नहीं है, आप पानी डाल सकते हैं। तो पहले हम इसको खोलते हैं और डालते हैं। अभी भी फ्यूज़ वाला जो मेरा प्रॉब्लम था वो सॉल्व नहीं हुआ है, टंकी वाला, जब सॉल्व हो जाएगा तो आपको हम बता देंगे कि हमारा वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, उसके लिए वीडियो भी बना देंगे, सब प्रॉब्लम हुआ उसमें मेरी गाड़ी का, क्या क्या हो गया, कैसे कैसे हो गया। बट फिर भी मैं, कल ही सारा कुछ हुआ, फिर आज भी देख सकते हैं आप लोग के सामने हूँ एक प्यारी सी मुस्कान के साथ। ज़िंदगी है, होता है, कोई बात नहीं है, करेंगे लड़ेंगे जब तक है, सिस्टम से, खुद से, दुनिया से, सबसे लड़ लेंगे, क्योंकि जीना है, कायर तो है नहीं कि किसी चीज़ से हार मान लेंगे, यहाँ तक जीते आए। क्योंकि 14 साल की उम्र में जब सब कुछ छोड़ के वेटर का काम करना, साइकिल पे डिलीवरी बॉय का काम करना, बहुत से कुछ कर लिए, सब बर्तन तक धो लिए दूसरों के घरों में जाके, तो फिर कोई दिक्कत नहीं है यार, सब कर लेंगे, क्या फ़र्क पड़ता है, ठीक है, तो कोई बात नहीं है। तो चलिए पहले इसको बनाते हैं, फिर मिलते हैं आप सभी से। तो गुरु गाड़ी चला के आए हैं अभी, तो इसको खोलना थोड़ा वो होगा, तो इसको खोलेंगे नहीं। अभी ये देख सकते हैं जो फ्यूज़ मेरा उड़ रहा है ना, वो आपको दिखाया ही था, वो अभी वो दिखाया नहीं था, देख सकते हैं अब आगे पीछे वीडियो हो सकता है मेरा। तो ये वाली जो 15 नंबर फ्यूज है, यही उड़ रहा है, और मुझे लगता है फ्यूल टैंक से कुछ प्रॉब्लम है इसका, जो कि समझ नहीं आ रहा है। तो इसको खोलते हैं, पहले देखते हैं, पानी फेंकना नहीं चाहिए वैसे, पर खोल के देखता हूँ मैं क्या होता है, फेंकता है कि नहीं फेंकता है, क्या करता है, क्योंकि खाली गाड़ी है, आराम से चला के आया हूँ। चलिए गाड़ी गर्म नहीं हुई है, तो पानी डालते हैं इसके अंदर, देखते हैं कितना पानी लेता है। ये है अपना पानी, ये मैंने एकदम ठंडा पानी लिया हुआ है, इसलिए 2 लीटर लिया हूँ। तो इसको पहले डालते हैं, भर गया, तो देखिए ये भर गया है। अगर पानी अभी और जाएगा, मैं और आपको आइडिया बताऊंगा कि कैसे पानी डालना है, अगर रेडिएटर में पानी नहीं चढ़ रहा हो तो कैसे पानी चढ़ाना है रेडिएटर में, वो भी मैं बता दूंगा आपको, ठीक है। अभी तक तो जा रहा है और जाएगा भी, नहीं चढ़ेगा वो मैं बताऊँगा अभी, पहले इसमें जितना जाता है उतना डाल लेते हैं। फिर देखिए जैसे कि रेडिएटर में अभी पानी फुल दिखा रहा है, तो अगर आपका पानी जैसे खाली है, रेडिएटर गाड़ी गर्म हो जा रही है और जो है कि आपको पानी नहीं ले रहा है आपका रेडिएटर, तो आपको करना क्या है, ये वाली देखिए, ये पाइप नहीं, इसके नीचे की ये पाइप है ना, ये इसको धीरे धीरे देखिए, इसको जब दबाएंगे धीरे धीरे ऐसा होगा, और पानी जो है जितना एयर होगा निकल के पूरा पानी ले लेगा,
तो अभी देख सकते हैं ये खाली हो गया। और आपको पानी डाल के भी मैं दिखाता हूँ कि ये कितना, आप ज़्यादा तो लेगा नहीं क्योंकि मेरा फुल हो गया। मैं आपको बताया कि जब अगर रेडिएटर एयर ले लेगा ये एकदम पूरा टाइट हो जाएगा, तो डाल के देखते हैं अभी और कितना लेता है। देखिए अब फुल हो गया, अब इससे ज़्यादा पानी जो है वो मेरा रेडिएटर नहीं लेने वाला है। इसके अंदर भी फुल कर दिया हूँ, इसके अंदर भी, तो अपना खींचेगा, गर्मी आ गया है। और अब मैं जो है रेडिएटर का जो अपना वो कूलेंट डलवाने वाला हूँ, पूरा पानी निकलवा के उसमें नया कूलेंट डाला जाएगा, क्योंकि गाड़ी भी मेरी लगभग लगभग 1,80,000 होने वाला है। तो चलिए अब इसके बाद मिलते हैं आप सभी से। तो गुरु फाइनली अपनी गाड़ी जो है वो लोड हो रही है, लोडिंग चालू हो गया, लगभग होने भी आया है, हो भी जाएगा थोड़े टाइम में क्या, बस 5-10 मिनट और लोड करके निकलेंगे। तो देखते हैं कहाँ जाते हैं, ऑप्शन स्टार्टिंग में ही आपको बताया था कहाँ जाना है। और देख सकते हैं सब कैसे बैठे हैं। जो लोग बोलते हैं मैं पब्लिक में शर्माता हूँ वीडियो बनाने में, ऐसा कुछ नहीं है भाई, मैं कहीं भी, मैं मन करता है तो बनाता हूँ, मैं मुड्डी आदमी हूँ, जहाँ मूड किया बना लेता हूँ, जहाँ नहीं करता नहीं बनाता हूँ, कुछ वो नहीं है, क्योंकि मेरा कैमरा मेरा मन में बोलेगा कुछ भी करेगा तो चलता है। तो चलिए पहले गाड़ी को लोड करते हैं, फिर मिलते हैं आप सभी से। तो गुरु फाइनली 4 बजे हम पहुंच गए थे मंडी। मंडी पहुंचने के बाद जो है मेरी गाड़ी 4 बजे नहीं 2:30 बजे पहुंच गए थे। लगा कि तुरंत सो गए क्योंकि नींद इतनी तेज आ रही थी ना, सो गए, सो के उठे, गाड़ी अभी हम बाहर रोड पे लगाए हुए हैं लाके, तो अभी फिर चल रहे हैं सोने। भाड़ा भी मिल गया बट हमको सोना है, तो अभी सो के उठेंगे फिर आप सभी से बातें करेंगे। चलिए सोते हैं फिर मिलते हैं उठने के बाद। तो गुड मॉर्निंग गुरु, सो के उठ चुके हैं और अपना जो है वापसी भाड़ा था, तो गोरखपुर से डायरेक्ट खाली करके चले आए हैं वापसी भाड़ा लोड करने। दिखा रहे हैं क्या लोड करना है, एक बार जो हमने मेले का सामान लोड करके शक्ति नगर गया था वही लोड करना है। तो ये देख सकते हैं ये जो है यही अपने गाड़ी में लोड होगा, क्योंकि इनका ये लोग मेला लगाते हैं भाई लोग, तो इन लोग को छोड़ने जाना, मतलब ये लोग जहाँ जहाँ पे जैसे नवरात्रि चल रहा है अभी, तो मंदिर जहाँ जहाँ पे होगा वहाँ वहाँ पे जाके अपना मेला लगाते हैं, तो वहाँ इनको हम छोड़ देंगे, अपना जो है वहाँ जाके लगाएंगे। तो अभी ये इसको लोड करवाते हैं, डाला वाला बांधते हैं, फिर मिलते हैं आप सभी से। तो पहले इनका डाला वाला बनवा लें, फिर अपना लोड करेंगे, फिर आपसे बातें करेंगे हम। तो चलिए पहले बनवा के फिर मिलते हैं। तो गुरु फाइनली अपनी गाड़ी जो है वो ऑलमोस्ट लोड हो चुकी है, थोड़ी सी चीज़ें बची हुई हैं, ये बचा है, और चीज़ें हैं जो बची हुई हैं वो लोड हो रही हैं। हम हैं फिलहाल, ये जो जगह है शायद मैं नहीं बताया कि बताया, मुझे याद नहीं, रुद्रपुर है ये जगह, जो कि देवरिया के आसपास है। हाँ, देवरिया में ही 17-20 किलोमीटर दूर है देवरिया यहाँ से, रुद्रपुर है ये, कोई मंदिर है यहाँ पे बगल में ही, मंदिर का नाम वाम तो पता नहीं, ऐसे ही रुद्रपुर बोले थे, भूल गया मैं मंदिर का नाम। तो यहाँ पे आए हुए हैं इनका लोड करने, लोड करके अब यहाँ से जो है जाएंगे शक्ति नगर। तो देख सकते हैं पूरा लोड हो चुका है लगभग, वो बाम्बू मतलब पाइप बांध रहे, बांधने के बाद यहाँ से निकलेंगे। रात को भी कुछ नहीं खाया था, अभी भी कुछ नहीं खाया हूँ, मन नहीं कर रहा है पता नहीं क्यों खाने का, बहुत वीक हो गया, वर्कआउट छोड़ दिया, खाना छोड़ दिया, सब ज़िंदगी उथल पुथल चल रही है एकदम, पर कोई बात नहीं, फिर से वापस आएंगे, थोड़ा समय लग सकता है बट देखेंगे क्या है। तो चलिए अभी यहाँ से लोड करके निकलते हैं, फिर मिलते हैं आप सभी से। तो गुरु फाइनली अपनी गाड़ी जो है वो लोड हो चुकी है और हम लोग आ चुके हैं पेट्रोल पंप पे। देखते हैं पहले तेल डलाते हैं, तेल वेल डला के फिर यहाँ से निकलेंगे भाई, मतलब निकलेंगे क्या, निकल चुके हैं, बहुत आगे आ चुका हूँ मैं। तो इसको पहले जो है अपना टैंक फुल कराते हैं, टैंक फुल वुल करा के फिर चलते हैं, देखते हैं आप सबसे कहाँ मिलते हैं कहाँ नहीं। तो पहले टैंक फुल कराते हैं फिर मिलते हैं। तो गुरु अभी हम पहुंच चुके हैं चुनार के आगे मिलिया चट्टी, और अभी अपने को रवि को लेना है क्योंकि रात को मुझे नींद भी ना सकता है, तो रवि घर पे ही है, बोला है चलेंगे, तो चल रहा हूँ रवि को लूँगा। रवि को लेने के बाद फिर इसके बाद चलेंगे शक्ति नगर, फिर रातों रात खाली हो जाएगा, तुरंत जाएंगे, तुरंत खाली करेंगे, खाली करके निकल लेंगे घर वापस। तो रात भर मैं ड्राइव कर नहीं सकता हूँ कंटिन्यू, गोरखपुर का बात अलग है, हो जाता है पर इधर नहीं हो पाएगा क्योंकि रास्ते का भी फर्क पड़ता है। तो यही है, तो पहले चलते हैं रवि को लेते हैं, उसके बाद फिर मिलते हैं आप सभी से। तो गुरु जो है वो कल हम गए शक्ति नगर अपनी गाड़ी मस्त खाली वाली किए, सब रातों रात हुआ, रात को खाली वाली करके चले आए, रात को फिर गाड़ी बंद हो गई थी, गाड़ी का मेरे चेक लाइट वाला प्रॉब्लम था जो उसके वजह से ही बंद हो जा रही थी।
तो जो है कि आप भाड़ा बता देता हूँ, जो लोग भाड़ा पूछते हैं। हम गए थे चुनार से गोरखपुर, चुनार से गोरखपुर का भाड़ा जो लगा था मुझे लगा था 7500 रुपये और डीजल 15 रुपये पड़ गया। उसके बाद भी भाड़ा अभी नहीं बढ़ा है। और उसके बाद जो है हम गए देवरिया रुद्रपुर, वहाँ से लाद के गए शक्तिनगर। शक्तिनगर का हमको भाड़ा लगा था कुछ 10000 रुपये। तो 7.5 जाने का, 10 आने का 17.5 टोटल भाड़ा लगा था। तो इस वीडियो को एंड करता हूँ। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबा लें ताकि आप तक ऐसे ही वीडियोस हर रोज़ पहुँचती रहे। ऐसे ही प्यार बनाए रखें। मिलते हैं किसी और वीडियो में। तब तक आप अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।